अभी तक शायद आप लोगों को पता चल चुका होगा कि रियलमी जो है वो बहुत बड़े खतरे में, और जिन्हें नहीं पता उनको बता दूं कि हर बार की तरह ये लफड़ा भी ट्विटर से शुरू हुआ है। बात क्या है, आज से 2 दिन पहले एक खबर आई कि जो रियलमी है वो यूजर का डेटा लीक कर रहा है। एक सेटिंग्स है इनहेंस्ड इंटेलिजेंस सर्विस, जो कि आपके पर्सनल डेटा, आपका ऑनलाइन बिहेवियर, आप क्या सर्च करते हो, क्या देखते हो और आपके जो अनरीड मैसेजेस होते हैं वो तक ट्रैक करता है। और क्योंकि ये फीचर ऑटोमेटिकली हर रियलमी फोन में पहले से ऑन रहता है, तो और भी ज्यादा रियलमी पे एक प्रेशर बन चुका है कि भाई कर क्या रहे हो तुम। खैर, जब ये खबर आई तो बहुत ज्यादा हंगामा हो गया, रियलमी के रेपुटेशन पे भी बात आई कि भाई कर क्या रहा है रियलमी। और रियलमी के साइड से उस टाइम तक कोई भी जवाब नहीं था कि उनको डेटा क्यों चाहिए और वो पहले से ऑटोमेटिकली क्यों ऑन है, मतलब यूजर से पूछा भी नहीं गया। तो इससे पहले कि रियलमी कुछ भी जवाब दे पाता, अपनी सफाई दे पाता, इंडियन गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है और कहा है कि इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा कि ये जो डेटा है वो चाइना लीक हो रहा है या नहीं। और ओनली अगर ये डेटा चाइना में लीक हो रहा है तो फिर रियलमी बैन हो सकता है। बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स गूगल पे पब्लिश हो चुके हैं कि भाई रियलमी बैन हो गया, रियलमी बैन होने वाला, बट अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैंने कहा अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। बट अभी करंट टाइम फ्रेम में रियलमी ने एक सफाई दी है कि ये जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं, जो यूजर का डेटा है, क्या यूज कर रहा है, कितना इंटरनेट चला रहा है, कहां चला रहा है, किससे बातें चल रही हैं, वो हम इसलिए कलेक्ट करते हैं कि हमें पता चले कि भाई कहां बग्स हैं, हम उनको इंप्रूव कर पाए। फेसबुक वाली स्ट्रेटेजी कि हमें यूजर एक्सपीरियंस अच्छा करना है। बट इन रियलिटी आप भी जानते हो कि ये सारी चीजें इसलिए ली जाती है ताकि आपका बिहेवियर एक तरीके से पता चले कि आप क्या खरीद सकते हो और उस हिसाब से आपको एड्स दिखाए जाए। एक बहुत मस्त सीरीज है असुर सीजन 2, उसमें भी कुछ इस टाइप के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है। अब उतने लेवल पे नहीं, लेकिन करंट लाइफ में भी आपके बिहेवियर को गेस करके आपको एड्स तो दिखाए जाते हैं। तो अब आप पूरा गेम समझ चुके हो कि रियलमी डेंजर में क्यों है। अब इस डेंजर के ऊपर एक और बड़ी उनकी प्रॉब्लम कह लो कि उनके मार्केट शेयर में ड्रॉप आ रहे हैं, मतलब शॉर्ट में कंपनी कम पैसे कमा रही है। और आपने नोटिस भी किया होगा कि भाई 6 महीने हो गए 2023 में, लेकिन अभी तक रियलमी GT सीरीज का कहीं नाम ही नहीं है, जो कि थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन रियलमी उनको लॉन्च ही नहीं करा। 240 वॉट्स का एक चार्जर भी लाया था, उसको भी इंडिया में नहीं लाया इन्होंने, क्योंकि एक्सपेंसिव फोन्स बेचना अभी थोड़ा डिफिकल्ट है उनके लिए। और ये भी एक कारण है रियलमी ने अपनी 11 सीरीज निकाली है, क्योंकि नंबर सीरीज रियलमी की ज्यादा बिकती है, तो फोन बेचना भी उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होते जा रहा है और बहुत सारे कंपनीज का मार्केट शेयर अभी ड्रॉप कर रहे हैं। और जब ये खबर आई तो फिर रियलमी के रेपुटेशन भी डाउन हो गया और इस वजह से जो इनकी नई सीरीज है रियलमी 11 प्रो उस पे भी काफी ज्यादा इंपैक्ट हुआ है। और इसके कारण रियलमी ने अपने 11 प्रो सीरीज में एक अपडेट दिया है जिसके बाद इनहेंस्ड इंटेलिजेंस सर्विस ऑटोमेटिकली ऑफ हो चुकी है। और ये एक बहुत स्मार्ट मूव है जो कि रियलमी कर रहा है, लेकिन वही आप रियलमी 10 प्रो प्लस देख लो, 9 प्रो प्लस देखो और सभी रियलमी फोन्स में पहले से ऑटोमेटिकली ऑन रहता है। अब मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप इसको ऑफ कर लो। कैसे ऑफ करना है, सिंपल सेटिंग्स में जाना, सर्च करना इनहेंस्ड इंटेलिजेंस सर्विस, सिंपल उस पे जाके वहां पर उसको ऑफ कर देना। और इतना कर दोगे तो फिर आपकी प्राइवेसी सेफ हो जाएगी। बाकी आपको अगर ऐसा लगा है कि रियलमी बैन होने वाला है, तो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि बैन होने के चांसेस 1% से भी कम है। जो मैक्सिमम चांस है 70% के आसपास, उसमें कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जो 30% है उसमें हो सकता है कि इस पूरे सेटिंग्स को ही हटा दिया जाए। और अभी तक की जो पूरी खबर है ये मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आपको अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक करना, नीचे कमेंट्स में आपके क्या विचार है, रियलमी को अपने चीजों को चेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए बताओ नीचे कमेंट्स में, डिस्कस करते हैं। बाकी मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।